केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्यों को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 2400 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनकी इस धाम की कहानी के बारे में जो भी सुनता है वो धन्य हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़ी बड़ी पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य और ऐसे ही है जो केदारनाथ धाम से समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, खासकर ये विशालकाय छत कैसे खम्भों पर रखी गई होगी। दूसरा रहस्य है केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीबन 22,000 फुट केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधु, गंगा, क्षीर, गंगा सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदार घाटी में दोनों तरफ है नर और नारायण। विष्णु की 2400 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तीसरा, केदार में शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई? जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो पांडवों के सामने न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे, लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तब भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूपी भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर उस भैंस को पकड़ना चाहा तो वह भैंस धरती में समाने लगा। तभी भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पापमुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुंह नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। चौथा रहस्य, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहली 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 3री शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। पांचवा, केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर, श्रीकलाहस्त मंदिर, एकमरेश्वर मंदिर, कंचीपुरन मंदिर और नटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि आखिर ये सभी मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। छठा रहस्य, आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया? देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट की हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 3री से 7वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ केंद्र में दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। विज्ञानियों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चूराबारी ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने व चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। सातवां, केदारनाथ धाम का रहस्यमयी दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ यहाँ मौजूद दीपक बहुत रहस्यमयी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान के साथ पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 महीने तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह के बाद मई में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी सफाई भी यहाँ मिलती है जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। आठवां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य की धार नाम की नई तीरथ का उद्गम होगा। नौवां रहस्य, केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तीव्र गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बह रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशालकाय चट्टान भी मंदिर के तरफ बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ये एक चमत्कार था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। दसवां रहस्य, केदारनाथ धाम का रहस्यमयी साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई सालों पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया। वो जिस वक्त आया, उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारी से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने ये बोलकर उसे मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही वो भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि जब तक वो केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करेगा, वो यहाँ से हिलेगा तक नहीं। वो भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर के बाद एक साधु उसके पास आया और उसने कुछ खाने के लिए उस भक्त को दिया और फिर उस साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा। ये करते ही उस भक्त को नींद आ गई। वो भक्त जैसे ही उठा तो देखा कि कुछ पंडित केदारनाथ मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखकर वो मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो बोला था कि अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। ये बात सुनते ही उस पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए थे, लेकिन 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं। पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पहले तुम ये बताओ। उस भक्त ने जैसे ही उस साधु की बात कही कि एक अघोरी बाबा आए और मुझे खाने के फल दिया और मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझे नींद आ गई, और मैं जब जागा तो देख रहे हैं कि आप मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। पंडित ये बात सुनते ही उस भक्त के चरणों पे गिर पड़ा और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने समय चक्र को पल भर में आपके लिए 6 महीने आगे कर दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है। भोलेनाथ तो भोले हैं, वह भाव के भूखे हैं, चाहे देव हो या दानव, जिसने उसे मन से पूजा वो उसी के हो गए। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ के 10 वो अनसुलझे रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।